क्या आपने कभी किसी को किराए पे घर दिया है या कभी किसी से किराए पे घर लिया है? अगर आपने इन दोनों में से कुछ भी किया है तो आपने क्लाउड कंप्यूटिंग को जिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशुल और आइए समझते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी भाषा में जो आपने पहले कभी सुनी नहीं होगी। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान, कहीं जाइएगा मत क्योंकि ज्ञान अभी बाकी है। क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या? मुझे लगता है आप में से बहुत लोगों ने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बहुत कुछ ऑलरेडी सुन चुका होगा। कई लोग इस पे काम भी कर रहे होंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग पिछले 10 सालों से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी बनके निकला है और काफ़ी इसका बूम आईटी इंडस्ट्री में देखा जा सकता है। आजकल हर बड़ा सेक्टर और हर बड़ी कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानना चाहती है, उसे और एक्सप्लोर करना चाहती है और उसमें नए नए पैराडाइम्स खोज रही है। मगर एक सामान्य आदमी के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग कुछ नहीं, सिर्फ एक किराए का घर है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, किराए का घर। जब भी आप एक किसी नए शहर में जाते हैं, मान लीजिए जॉब की तलाश में आप किसी के नए शहर में जाते हैं, तो आप सबसे पहले क्या खोजते हैं? आप सबसे पहले अपने लिए एक छत खोजते हैं। क्यों खोजते हैं? ताकि आप वहां पे सुकून से रह सकें और अपनी जॉब ढूंढ सकें जिसके लिए आप उस शहर में आए हैं, जो कि आपका मेन बिजनेस है। आपका बिजनेस है जॉब ढूंढना, मगर आप घर अफोर्ड नहीं कर सकते। आप किसी नए शहर में आए हैं, वहां पर आपने जॉब ढूंढनी है, आपके पास पैसे नहीं है, आप घर अफोर्ड नहीं कर सकते। सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप एक किराए का मकान ढूंढेंगे। किराए के मकान क्यों ढूंढेंगे? क्योंकि कुछ उसके बेसिक फायदे हैं। सबसे पहला फायदा क्या है? आपको जितने दिन रहना है फ्लेक्सिबिलिटी है उसकी, क्योंकि आप अपने लैंडलॉर्ड के साथ, आप अपने मकान मालिक के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं, एक करार करते हैं, जिस करार के तहत आप एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के तहत उसके घर में रहते हैं और उसे हर महीने उसका रेंट देते हैं। इसी तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग में हम क्लाउड वेंडर के एरिए में जाते हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं और उनको हर मंथ, हर ईयर या हर क्वार्टर, जो भी हमारा मॉडल है उसके हिसाब से हम उसे पेमेंट करते हैं। इसका फायदे क्या है? मान लीजिए आप किसी के घर में रह रहे हैं, आपको कोई टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि ना आपको उसके घर का मेंटेनेंस देखना है, ना उसके घर में जो भी सिक्योरिटी है उसकी टेंशन लेनी है। सारा कुछ मकान मालिक के हाथ में होता है। आपका काम होता है कि आप वहां पर जाएं, आराम से रहें और आपका मेन बिजनेस करें, जो कि है जॉब ढूंढना। इसी तरीके से कोई भी एक नई कंपनी जब बिजनेस में करने उतरती है, मार्केट में उतरती है, तो वो सबसे पहले चाहती है कि वो बिजनेस करे, उसके पास जो भी पैसा है, जो भी उसके पास केपेक्स है, वो लगाए बिजनेस करने में। मगर होता कुछ ये है कि आपको बिजनेस करने के लिए आज के ज़माने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी की ज़रूरत पड़ेगी ही। आईटी की ज़रूरत जब आपको पड़ेगी तो आपको लागत लगेगी। क्या एक छोटी कंपनी अफोर्ड कर सकती है वो लागत? मुझे लगता है उनके पास इतना पैसा होता नहीं है कि वो एक नया सेटअप कर सकें। तो वो क्या करते हैं? वो ढूंढते हैं एक किराए का घर, और वो एक किराए का घर होता है किसी क्लाउड वेंडर का क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें वो जाते हैं और क्लाउड वेंडर को कहते हैं कि मुझे आपसे वो सर्विसेज चाहिए जो मेरे बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी हैं, और बाकी फिर वो फोकस करते हैं अपने बिजनेस पे। तो इससे क्या होता है, उनका जो मेन काम है बिजनेस करना, वो उस पर फोकस करते हैं और उन्हें ये टेंशन नहीं होती कि उनका घर क्या होगा, कहाँ से उन्हें रहने के लिए छत मिलेगी। एक किराए के घर की तरह वो उस क्लाउड कंप्यूटिंग को, अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं और इसी तरीके से उनका बिजनेस ग्रो करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कल को अगर आपको वो घर छोड़ना है और किसी नए घर में शिफ्ट होना है, अगर आप 1 BHK लिए हुए हैं, कल आपका सैलरी बढ़ जाता है, कल आपका बिजनेस ग्रो हो जाता है, नाउ यू हैव टू मूव फ्रॉम 1 BHK टू 3 BHK बिकॉज योर नीड्स हैव चेंज्ड। यू कैन चेंज द वेंडर, यू कैन चेंज द क्लाउड वेंडर, यू कैन चेंज योर मकान मालिक। दैट्स द ब्यूटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग आपके लिए वो फ्लेक्सिबिलिटी लाता है जो आप अपने इन हाउस आईटी में नहीं अफोर्ड कर सकते। इन हाउस आईटी की लागत बहुत है, उसका मेंटेनेंस बहुत है, आपको खुद की एक आईटी सेटअप करना होगा जिसकी कॉस्ट सालों साल बढ़ती रहती है। इसी सब को मद्देनजर रखते हुए क्लाउड कंप्यूटिंग आज ही डेट में एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव एरिया है, वो एक्सप्लोर किया जा रहा है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा, बिजनेसेस ज़्यादा से ज़्यादा क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ अपना झुकाव कर रहे हैं। आइए इसको एक दूसरे पहलू से समझते हैं, कि एक कहानी के द्वारा। एक गांव में चंदू हलवाई नाम का एक मिठाई वाला, और उसकी जो मिठाइयां हैं वो बहुत फेमस, बहुत मशहूर। एक दिन चंदू हलवाई की मिठाई एक गांव का इंसान
लेके शहर जाता है और अपने दोस्तों को खिलाता है। लोगों को उसकी मिठाई बहुत पसंद आती है, तो लोग क्या बोलते हैं, भाई जब तू अगली बार जाना तो चंदू हलवाई की मिठाई जरूर लेके आना। चंदू हलवाई खुश हो जाता है। चंदू हलवाई बोलता है, अरे ये तो बहुत बढ़िया है, अगर बाहर के शहरों में मेरी मिठाई इतनी फेमस है तो तुम और लेके जाओ। धीरे धीरे उसका बिजनेस ग्रो होता है। अब उसे दूसरे शहरों से, दूसरे कस्बों से भी रिक्वेस्ट आती है और ऑर्डर्स आने लगते हैं। बट चंदू हलवाई के पास पुराना सेटअप है, चंदू हलवाई ने कभी भी इस तरीके की डिमांड देखी नहीं। तो अचानक से उसके पास एक इशू ये क्रिएट हो जाता है कि अब वो ये ऑर्डरिंग कैसे ले, इतने सारे ऑर्डर्स कहाँ से ले, कहाँ प्रचार करे, किस तरीके से वो ग्राहकों को एकत्रित करे कि वो एक जगह पे आकर मिठाइयों के ऑर्डर दे सकें। उसका एक नतीजा ये होता है कि चंदू हलवाई अपने बेटे को कहता है, जो कि हमारी तरह किसी एक आईटी कंपनी में या किसी आईटी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा होता है, उसे कहता है कि भाई तुम एक मेरे लिए बेटा एक छोटा सा वेबसाइट बना दो चंदूहलवाई.com नाम से। चंदूहलवाई.com मैनेज करेंगे, उसमें हम सारी मिठाइयाँ उनके प्राइसेस डालेंगे और जो भी कस्टमर चाहेगा उस कस्टमर को वो वेबसाइट हम दे देंगे और उनको बोलेंगे वहाँ से ऑर्डर कर दो और हम अपने तरफ से वो मिठाई वहाँ पर डिलीवर करा देंगे। मगर ये जो सुझाव था ये कुछ दिन तक तो कारगर हुआ क्योंकि छोटी वेबसाइट थी, कई लोग आके उसमें मिठाई ऑर्डर कर रहे थे, मगर अचानक से फिर कस्टमर डिमांड बढ़ने लगी क्योंकि जैसे वेबसाइट आई उस पर लोड और बढ़ने लगा क्योंकि चंदू हलवाई की मिठाइयाँ और मशहूर होने लगी। अब वो अक्रॉस स्टेट फेमस हो गया, उसे अलग अलग स्टेट से डिमांड आने लगी, आउट ऑफ द कंट्री डिमांड आने लगी। अब वो क्या करे, उसकी वेबसाइट एक दिन क्रैश हो गई क्योंकि इतनी डिमांड उसको लेने की कैपेबिलिटी नहीं थी उस वेबसाइट की। अब इस स्थिति में क्या करें, चंदू हलवाई की वेबसाइट क्रैश हो चुकी है। अब क्रैश इसलिए हो गई क्योंकि उसके पास उतनी कैपेसिटी, उतनी पावर, उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो इतनी बड़ी डिमांड को केटर कर सके, इतनी बड़ी डिमांड को झेल सके। तो अब चंदू हलवाई क्या करेगा, चंदू हलवाई जाएगा एक क्लाउड वेंडर के पास और उससे बोलेगा क्या आप मेरी ये वेबसाइट चंदूहलवाई.com अपने प्लेटफॉर्म पर होस्ट कर सकते हैं, अपने प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मैं आपको उसका किराया देने के लिए तैयार हूँ। तो क्लाउड वेंडर एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा चंदू हलवाई के साथ कि हाँ मैं ये वेबसाइट इन रिसोर्सेस के साथ होस्ट करूंगा और आपको ये सारी कैपेबिलिटीज और ये सारी पावर, ये सारे रिसोर्स इस किराए पे, इस प्राइस पे आपको इस मंथ के लिए या इतने दिनों के लिए दिए जाएंगे। अब इससे होता क्या है, अब चंदूहलवाई.com की ये जो वेबसाइट है, जो एक छोटी सी वेबसाइट थी, अब इसको पावर मिल गई है एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की, एक क्लाउड वेंडर की। तो अब ये एक बहुत ही मास स्केल पे ग्रो कर सकती है बिकॉज अब उसको वो बॉटलनेक्स नहीं है जो उसको एक अपनी घर की जो छोटी मोटी उसने ये वेबसाइट बनाई थी उससे मिल रही थी। तो अब इससे फायदा ये है, इससे अब एक दूसरा फायदा सामने आता है क्लाउड का, लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि एक बड़ा मिठाई वाला, मान लीजिए उसका अब चंदू हलवाई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बन सकता है क्योंकि उसके पास आईटी की वो पावर है जो कि शायद उसने भी यूज की होगी, क्योंकि उसके पास भी उतने ही रिसोर्सेज आ सकते हैं, वो भी उसी पैमाने पे, उसी स्केल पे अपनी वेबसाइट का प्रचार प्रसार कर सकता है, कस्टमर ऑर्डर्स ले सकता है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है दोस्तों, क्योंकि ये हर बिजनेस को चाहे छोटा हो चाहे बड़ा एक ही पाले पे ला के रख देता है और कहता है कि हाँ अब कम्पीट करो क्योंकि मैं आईटी दोनों को बराबर देने की काबिलियत रखता हूँ। इसका एक दूसरा फायदा मैं आपको बताता हूँ जो कि फ्लेक्सिबिलिटी से जुड़ा है, जो कि मैंने आपको पहले भी शेयर किया था जब हम किराए के घर का एग्जांपल ले रहे थे। मान लीजिए आज चंदू हलवाई जुलाई अगस्त के महीने में बैठा है और वो देख पा रहा है कि दीपावली आने वाली है और दीपावली सारे बिजनेसेस का सबसे मेन सीजन होता है प्रॉफिट कमाने का, तो वो पहले से इस चीज का प्रोविजन कर सकता है कि वो क्लाउड वेंडर को जाके बता दे कि भाई देखो मेरी वेबसाइट को तुम हर तरीके से, हर पावर परफॉर्मेंस और जिस भी तरीके से हो सके डबल कर दो। अगर आप 4 सर्वर अभी फिलहाल लगाए हुए हैं आपने तो उसे आप 8 सर्वर कर दो, अगर आपने 2 डेटाबेसेस किए हैं तो उसे 4 कर दो, मगर मुझे चाहिए कि मेरी वेबसाइट आज अगर 1,00,000 कस्टमर्स को केटर करती है तो दिवाली के दिन में कम से कम 5,00,000 ग्राहकों को वो केटर कर सके। और इसके लिए मैं आपको उसकी टाइम लिमिट भी बताता हूँ, मुझे चाहिए कि ये चीज़ हो दीपावली के 15 दिन पहले से दीपावली के 5 दिन बाद तक, तो टोटल 20 दिन के लिए मुझे ये पावर चाहिए। अब इससे फ़ायदा देखिए क्या है,
20 दिनों के लिए आपको उतनी अच्छी पावर मिल रही है जिससे आप ज्यादा डिमांड को केटर कर सके, और एग्जैक्टली 20 दिनों का ही पैसा आपको देना है, और 20वें दिन पे आपका जो नॉर्मल एग्रीमेंट था उसी लेवल पे आपके रिसोर्सेज आके रख दिए जाते हैं, ताकि आपका जो ईयरली कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आप आके वापस से बैठ जाते हैं, क्योंकि आपको अब उससे ज्यादा पैसे लगने नहीं वाले, आपके जो 20 दिन के पैसे लग गए, मगर अब उससे फायदा क्या हुआ? अगर आप एक इन हाउस आईटी आपकी होती तो आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर सालों साल रखना पड़ता सिर्फ उन 20 दिनों के लिए, सिर्फ उस दिवाली के 20 दिनों के लिए आपको इतना बड़ा आईटी सेटअप रखना पड़ता, जिसकी कॉस्ट आप अगर साल भर की निकाल लें और अगर आप उसको दीपावली के प्रॉफिट से कंपेयर करें तो आई थिंक वो लॉस मेकिंग ही है एक तरीके से, मगर अब क्लाउड के साथ आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ऐसी बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज आपको क्लाउड प्रोवाइडर प्रोवाइड करते हैं, अब बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें आ चुके हैं। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में फिलहाल आ रहा होगा कि इन लोग इतने सस्ते दामों में दे कैसे देते हैं? देखिए दोस्तों, ये सारी कंपनियां एक बहुत बड़ी आईटी जायंट्स हैं, इन्हें सालों साल अपनी टेक्नोलॉजीज पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम किया है और इनके पास इसीलिए ये सर्विसेज देने की काबिलियत है बहुत ही सस्ते दामों में। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं गूगल का, आप आज गूगल सर्च इंजन यूज करते हैं, आपको पता है गूगल सर्च इंजन एक इतने बड़े मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बैठा हुआ, आप कुछ भी सर्च करते हैं विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स यू गेट इट। कोई भी सब्जेक्ट आप दुनिया को उठा लीजिए, आपको गूगल वो प्रोवाइड करता है, उसकी टेक्नोलॉजी उसने खुद ग्रो की है। अमेज़न का आज इतना आप यूज करते हैं शॉपिंग करने में, कहां से आती इतनी पावर? ये सारा का सारा उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का पावर है, और अब वो ये अपना पावर दूसरों को किराए पे देते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया किराए का घर। तो बेसिक मतलब ये है कि इनका डेटा सेंटर्स हर कोने में दुनिया के रखा हुआ है, अब तो समुद्र के नीचे भी है, आपको पता हो कि नहीं पता हो, मगर अब डेटा सेंटर समुद्र के नीचे भी लोगों ने बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि अब जमीन पे तो ठीक ही है, हम समुद्र के नीचे भी जाके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करते हैं, इस तरीके की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो अब देखिए, मान लीजिए मुंबई में बैठा व्यापारी है और उसे क्लाउड पे अपनी कोई वेबसाइट होस्ट करनी है, मान लीजिए कुछ भी यूज करना है क्लाउड सर्विसेज का, तो उसको क्लाउड वेंडर देगा एरिया, वो डेटा सेंटर देगा जो कि एशिया पैसिफिक रीजन में होस्टेड है। इससे क्या होगा, नेटवर्क बैंडविड्थ अच्छी होगी, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, स्पीड अच्छी होगी, प्लस जो कॉस्ट लगने वाली है वेंडर को भी जो कॉस्ट लगने वाली है वो कम होगी, क्योंकि भाई वो पास से उसको दे रहा है सारे रिसोर्सेज। तो इसी तरीके से क्लाउड वेंडर्स ने अपने अपने डेटा सेंटर्स हर कॉन्टिनेंट में बड़ी बड़ी कंट्रीज में रखे हुए हैं। इस वक्त में अमेज़न ट्रूली एक लीडर है क्लाउड कंप्यूटिंग, बिकॉज दे स्टार्टेड अहेड, तो उनके पास वो एक पहला कदम लेने का एडवांटेज हमेशा रहा है। बट हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और गूगल क्लाउड GCP बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं, सेल्स फोर्स भी हमेशा से बहुत एक बड़ा कॉम्पिटिटर रहा है। तो दोस्तों, ये कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा है मार्केट के लिए, क्योंकि बिजनेस जितने भी हैं उनको फ़ायदा होता है इससे, उन्हें कम दामों पर ये IT सर्विसेज मिलती हैं, जिससे कि उनको एक कॉम्पिटिटिव एज मिलता है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट तुम एक बहुत बड़े IT कंपनी हो या एक जस्ट नया एक स्टार्टअप हो। तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग का जो मकसद है वो यही है कि आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए, ऑन डिमांड सर्विस दी जाए। ऑन डिमांड शब्द दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप डिमांड कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको दिवाली का एग्जांपल दिया, दैट वाज योर डिमांड, कि आपने डिमांड की कि मुझे 20 दिनों के लिए आप सर्विस दीजिए, ऑन डिमांड है। तो ऐसी बहुत सारे फैसिलिटीज हैं, और मैं हमेशा ये बोलूँगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग अब आने वाला फ्यूचर है। अभी भी 10 साल हो चुके हैं, अराउंड 2009 अगर आप देखें तो ये इमर्जिंग हुआ करता था, मगर 10 सालों में अभी मैं कहता हूँ काफ़ी लंबी जर्नी है। अभी भी बहुत बड़ी कंपनीज हैं जिनका इन हाउस IT पूरा क्लाउड पे मूव नहीं है। कुछ चैलेंजेस हैं जैसे कि बैंकिंग है, दूसरे कुछ सेक्टर्स हैं ऑब्वियसली, क्योंकि क्लाउड पे डेटा सिक्योरिटी एक चैलेंज आता है जो कि सबको पता है, मगर आज की डेट में इस तरीके के मैकेनिज्म और सिक्योरिटी मेजर्स आ गए हैं कि मुझे लगता है कि वो कुछ दिनों की बात है कि जब जीरो आईटी फुटप्रिंट पे कंपनीज काम करेंगी और सारा का सारा उनका आईटी जो है क्लाउड पे होस्ट रहेगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब बस यही है कि क्लाउड कंप्यूटिंग को समझना बहुत ही सरल और आसान है। मुझे लगता है ऐसा कई बार आपने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में सुना होगा, जाना होगा, पढ़ रहे होंगे या काम भी कर रहे होंगे, मगर मेरा मकसद था कि इसको इस तरीके से जोड़ के दिखाना ताकि एक बंदा जो नॉन आईटी है, जिसको आईटी का दूर दूर तक कोई पता नहीं है, वो भी इस क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट को समझ सके। हो सकता है किसी गांव में कोई चंदू हलवाई सच में बैठा हो जिसका मन करता हो कि दिल्ली पे अपनी जलेबियां बेचे, और हो सकता है उसके पास उतना पैसा हो कि वो एक अपनी वेबसाइट होस्ट कर सके। तो दोस्तों, ये आईटी का जो नॉलेज है मुझे लगता है हमें घर घर तक पहुंचाना चाहिए जहां पर लोगों के पास ये ज्ञान नहीं है, और हो सकता है कि इससे उनके बिजनेसेस को फायदा हो, उनकी प्रॉफिट जो बना रहे हैं इस वक्त बिजनेस में उसमें उनको फायदा हो। तो बस मकसद यही है दोस्तों कि मेरे द्वारा या आप लोगों के द्वारा ये चीजें सब तक पहुंचे,
और मेरी बस यही कोशिश आप लोग से है कि आप ऐसे मुझे अगर और भी कोई सजेशन देना चाहते हैं जो मैं ऐड करूं तो जरूर बताइएगा। और एक बात मैं और आपको ऐड करना चाहूंगा उन लोगों के लिए जो कि अभी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और जिनके अभी करियर स्टार्ट होने वाला आईटी में, जरूर क्लाउड कंप्यूटिंग को अपने सीवी में डालिए, बहुत अच्छी एक प्रोफाइल बनेगी आपकी और आपको कंपनीज रिकॉग्नाइज करेंगी। और क्लाउड कंप्यूटिंग सबके लिए है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप डेवलपर हैं तो सिर्फ आप ही के लिए है, जो एडमिन है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके लिए भी है, जो पाइथन जानता है, जो जावा जानता है, जो नेटवर्क राउटर स्विचेस इन सब में काम करता है, सबके लिए दोस्तों जगह है क्लाउड में। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस प्रोफाइल को बनाना चाहिए, अपने आप को क्लाउड आर्किटेक्ट, क्लाउड डेवलपर, क्लाउड सिस्टम इंजीनियर, बहुत सारे डिफरेंट सर्टिफिकेशंस भी अब आ गए हैं मार्केट में, करिए, सीखिए, जानिए। सबसे बड़ी चीज है हैंड्स ऑन कीजिए, रट्टा लगाने से कुछ नहीं होता, आपको कॉन्सेप्ट समझने होंगे और वो तभी समझेंगे जब आप हैंड्स ऑन करोगे। हैंड्स ऑन कैसे करोगे, अपना फ्री अकाउंट बनाइए, जीसीपी आपको $300 देता है साल भर के लिए, लगाइए उसमें अपना एक छोटा सा एफर्ट और सीखिए। अमेजन वेब सर्विस भी अपना एक अकाउंट देता है जो कि ट्रायल वर्जन है, आप उसे यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हर क्लाउड प्रोवाइडर आपको ये मौका देता है कि आप उसके प्लेटफॉर्म को फ्री में एक्सप्लोर करें, इससे उनकी भी मार्केटिंग होती है, उनका प्रोडक्ट फेमस होता है, प्लस हमें मौका मिलता है कि हम खुद से सीखें कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स कितने कम दामों में कैसे इतना बड़ा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एक कंपनी को दे सकते हैं। हम तो खैर एक यूजर की तरह उसे देखेंगे, मगर हमें सीखने को बहुत मिलेगा। तो इस कैरियर को जरूर अपनाएं, क्लाउड को अपने प्रोफाइल में जरूर ऐड करें। यू कैन बी अ फ्यूचर क्लाउड आर्किटेक्ट, क्लाउड डेवलपर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं दोस्तों। कोशिश करें कि हैंड्स ऑन करें, जैसे मैंने आपको पहले बोला, बहुत ज्यादा उसका फायदा आपको मिलेगा। तो दोस्तों बस मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही, मेरी कोशिश थी कि मैं इसे एक ऐसी भाषा में प्रस्तुत करूं कि आप लोगों को ये सामान्य लगे और किसी ऐसे इंसान को जो आईटी में नहीं है उसे भी ये बात समझ में आए। तो बस यही मेरी कोशिश थी दोस्तों, अंत में बस इतना ही बोलूंगा, वो तीन शब्द, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, आपको पता है आप करते आए हैं कईयों के लिए, मेरे लिए भी तभी करिएगा जब जेन्युइन लगे एफर्ट्स। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे वीडियो बनाऊं, ऑब्वियसली बिना एनकरेजमेंट के मुश्किल है, तो प्लीज एनकरेज कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, क्या आप नया सीखना चाहते हैं। जब आप मुझे कोई सजेशन देते हैं तो मैं और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूं कि हाँ, अब मुझे कुछ और नया सीखना है खुद के लिए और फिर उसे आपको सिखाना है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू वुड कंटिन्यू दिस जर्नी विद मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच, जय हिंद, नमस्कार।